हेलो फ्रेंड्स, मैरिज में विद्यांत आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज की मेरी ये वीडियो बकरी ईद स्पेशल है। आज मैं आपके सामने बकरी ईद के उपलक्ष में बंगाली स्टाइल मटन बनाने जा रही हूँ। इसे बंगाल में मटन कोसा कहते हैं। आज मैं आपको मटन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी के हर प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से देखें और सुने और बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो आपको रेसिपी का पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम मटन लिया है। अब इस मटन को मैरिनेट करने के लिए इसमें एक एक करके 3 टेबलस्पून नींबू का रस डालें, 1/2 टीस्पून नमक डालें, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून डालें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और 1 टीस्पून सरसों का तेल डालें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अगर मटन में कलेजी है तो कलेजी को अलग कर लें। मैंने कलेजी और मटन को अलग कर लिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। एक घंटे बाद अब कढ़ाई में 5 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर गरम कर लें। तेल जब गरम हो जाए तो इसमें 1 बड़े साइज के आलू को इस प्रकार मोटा मोटा काट कर डालें और सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। आलू ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद नहीं है तो आलू का प्रोसेस को पूरा पूरी स्किप भी कर सकते हैं। आलू सुनहरे हो चुके हैं, अब इसे तेल से निकाल लें और फिर उसी तेल में 1-1 करके 1 तेज़पत्ता डालें, 2 खड़े लाल मिर्च डालें। अब इसे थोड़ा चलाकर इसमें 1-1 करके 3 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर डालें, कद्दूकस किया हुआ अदरक 3 टेबलस्पून डालें और कद्दूकस किया हुआ लहसुन 2 टेबलस्पून डालें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को लो फ्लेम में 10 मिनट फ्राई करें और फिर फ्लेम को हाई करके सुनहरा होने तक फ्राई करें। आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें 1-1 करके गरम मसाला, बादाम और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून डालें, 1 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट डालें और मीट मसाला 1.5 टीस्पून डालकर थोड़ा चलाएं। और फिर इसमें 1-1 करके 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून डालें। अब सारे मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जब मसाले तेल छोड़ने लगे और मसालों का रंग बिल्कुल से बदल जाए तो ये समझ लीजिए कि मसाले फ्राई हो चुके हैं। और अब इसमें मैरिनेट किए हुए मटन को डालकर थोड़ा चलाएं और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दें। अब इसे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम में चलाते रहें। आप देख सकते हैं मटन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। मैंने 10 मिनट इसे लगातार चलाया है। इसे इसी प्रकार से बीच बीच में 15 से 20 मिनट और चलाएं। इससे मटन का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। बीस मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं मटन का कलर बिल्कुल से चेंज हो गया है। आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। अब आराम से कुकर में मटन को डाल दें। और साथ साथ कलेजी और फ्राई किए हुए आलू को भी डाल दें। अब इसे थोड़ा चलाकर 1.5 गिलास पानी डाल दें। अब थोड़ा इसे चलाकर कुकर के ढक्कन को बंद कर दें। हाई फ्लेम में 1 सीटी बजाएं और मीडियम फ्लेम में 6 से 7 सीटी बजाएं। आप देख सकते हैं मटन बिल्कुल से पक चुके हैं। आपके सामने डिलीशियस बंगाली स्टाइल मटन कोसा बनके रेडी है।
इसे आप गर्मा गर्म रोटी पूरी पराठा चावल इत्यादि के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, बकरी ईद स्पेशल मेरी ये मटन की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।